नमस्कार दोस्तों, Redmi 13 5G स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है 9 मई को 12 PM में। इस फोन का सारा कुछ निकल के आ चुका है, मतलब बॉक्स प्राइसिंग और डिस्काउंट ऑफर वगैरह निकल के आ चुका है, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे इंडिया तक देखिए, तभी आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है। देखिए, Redmi 13 5G स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है और ये फोन काफी सस्ते में लॉन्च होगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए इस फोन का फर्स्ट लुक। ये फोन आता है ग्लास बैक के साथ और देखने में काफी इंटरेस्टिंग है। स्पेसिफिकेशन वगैरह भी इस फोन में काफी अच्छा दिया गया है और फ्रंट साइड से भी आपको मिलता है काफी कम बेजल्स और आता है सेंटर टीनी पंच होल के साथ, जो कि देखने में काफी सही लग रहा है। ये फोन काफी बेस्ट होने वाला है और जो भी कलर है उसे आप यहां पर देख पा रहे, काफी इंटरेस्टिंग कलर के साथ ये फोन आने वाला है। तो ओवरऑल इस फोन का लुक एंड डिजाइन काफी सही है। आपको इस फोन का लुक एंड डिजाइन कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हो। अब चलिए हम बात करते हैं कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन के बारे में। जैसा कि ये फोन लॉन्च होने वाला है 9 जुलाई को 12 PM में और इसका सारा कुछ निकल के आ चुका है, इवन बॉक्स वगैरह भी निकल के आ चुका है, जिस पर प्राइसिंग भी मेंशन किया हुआ है। अगर हम बात करें कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इस फोन में आपको मिलता है 6.79 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले और इस डिस्प्ले में होने वाला है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। गोरिल्ला ग्लास का प्रोडक्शन होने वाला है डिस्प्ले के ऊपर। बेजल्स काफी कम है और आता है सेंटर टीनी पंच होल के साथ। तो ओवरऑल एक काफी अच्छा डिस्प्ले है, बिकॉज इस फोन का प्राइसिंग भी काफी कम है, इसलिए आपको इस फोन में देखने को मिलता है IPS डिस्प्ले ही, और इस डिस्प्ले में स्मूथनेस भी काफी सही है। अगर हम कैमरा सेटअप की बात करें तो इस फोन में आपको मिलता है पीछे की तरफ से 108MP का AI डुअल कैमरा, जहां पर 108MP का मेन कैमरा है, उसके बाद है 2MP का माइक्रो कैमरा, और फ्रंट में आपको मिलता है 13MP का सेल्फी कैमरा, जो कि आता है सेंटर टीनी पंच होल के साथ। तो इस बार कैमरा में भी अपग्रेड किया गया है, आप काफी अच्छे अच्छे फोटो क्लिक कर पाएंगे इस फोन के साथ। अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो इस फोन में आपको लगा हुआ मिलेगा स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट 4th Gen 2, जो कि एक पावर इफिशियंट है और 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है। LPDDR4X RAM के साथ आता है और UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप दिया गया है। 5G फोन है तो आपको मिलता है इस फोन में 7 5G के वैन। देखिए चिपसेट काफी सही है, इसका Antutu स्कोर आता है 4.5 लाख के आसपास। आप इसमें नॉर्मल गेमिंग वगैरह कर पाएंगे, कोई भी लैग या फिर कोई भी इशू नहीं आने वाला है। तो चिपसेट भी काफी सही है, बिकॉज इस फोन का प्राइसिंग भी तो काफी कम है, तो उस हिसाब से चिपसेट काफी सही है। 5030mAh का बैटरी होने वाला है इस फोन में, जो कि सपोर्ट करता है 33W के चार्जर को, और ये 33W का चार्जर आपको बॉक्स में मिलने वाला है। कई सारे कंपनी बॉक्स में अब चार्जर देना बंद कर दी है, लेकिन इस फोन के साथ आपको मिलेगा 33W का चार्जर, जिससे आप इस फोन को काफी कम समय में चार्ज कर पाएंगे। सिंगल स्पीकर के साथ ये फोन आता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया गया है, हेडफोन जैक भी इस फोन में है और आयर ब्लास्टर भी है, और ये फोन आता है एंड्रॉइड 14 पर। और बजट रेंज का ये पहला फोन होगा जिसमें आपको देखने को मिलता है Xiaomi का लेटेस्ट HyperOS, जिसमें आप कस्टमाइजेशन काफी अच्छे लेवल तक कर पाएंगे, और इसमें भी आपको देखने को मिलेगा Xiaomi का डालर, जिससे आप कॉल रिकॉर्डिंग कर पाएंगे बिना किसी अनाउंसमेंट के। तो काफी अच्छे फीचर्स के साथ ये फोन आता है। अगर हम बात करें प्राइसिंग वगैरह का, तो ये फोन लॉन्च होने वाला है 9 जुलाई को 12 PM में और इसका बॉक्स वगैरह निकल के आ चुका है, आप यहाँ पर देख पा रहे। बॉक्स पे प्राइसिंग भी मेंशन किया हुआ है, लेकिन मैं प्राइसिंग को कट कर दिया हूँ, लेकिन मैं आपको प्राइसिंग बता देता हूँ। देखिए इस फोन का जो बॉक्स प्राइसिंग होने वाला है वो होने वाला है 11,000 और इसका पहला वेरिएंट होगा 4GB 128GB का, और जो 4GB 128GB का वेरिएंट है इस पर आपको मिलेगा 1000 का डिस्काउंट और मिलेगा 1000 का एक्सचेंज बाउंस। तो 1000 का डिस्काउंट ऐड करने के बाद आप इस फोन को बाय कर पाएंगे 10,000 में, यानी 9,999 रुपए में। तो इस प्राइसिंग में ये फोन आने वाला है। स्पेसिफिकेशन काफी जबरदस्त है, कैमरा सेटअप वगैरह भी काफी सही है, और प्राइसिंग होने वाला है 10,000। तो आप इस फोन को लेकर कितना एक्साइटेड हो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हो। धन्यवाद।